आप सभी को जय मसीह की। आज की सुबह हम परमेश्वर का एक और गुण जानेंगे, प्रभु सब कुछ जानता है, अर्थात प्रभु सर्वज्ञ है। भजन संहिता 139 और उसके वचन 1-6 हम पढ़ेंगे। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना दोनों जानता है, तू मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है, तू मेरे चलने और मेरे लेटने की छानबीन करता है और मेरे सारे चाल चलन से भली भांति परिचित है। इसके पूर्व की कोई बात मेरी जीभ पर आए, हे यहोवा, तू उसे पूरी रीति से जानता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखा है। ये ज्ञान तो मेरे लिए अत्यंत अद्भुत है, यह बहुत गंभीर और मेरी समझ से परे है। इसका अर्थ है, परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं है, वह दीवारों के भीतर से देख सकता है और वह हमारे विचारों को भी पढ़ सकता है, इससे भी पहले कि हमारे मनों में सोच आई भी ना हो। यद्यपि हम उसे देख या स्पर्श नहीं कर सकते, प्रभु अपने प्रियों को गहराई से जानता है। वह हमारी आदतों और दिन भर की गतिविधियों को जानता है कि किस प्रकार का जीवन और समय हम बिताते हैं। वह हमारे विचारों या भावनाओं को भी जानता है कि हम एक दूसरे के प्रति कैसे विचार और भावनाओं को दिखाते हैं। इससे भी बढ़कर वह हमारी सहायता और सुरक्षा करता है। प्रभु के ज्ञान की पहुँच अद्भुत है और यह भी सत्य है कि वह हमारे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद वह निरंतर हमसे प्रेम करता है। ये बहुत अद्भुत है कि जब हम पापी ही थे तब प्रभु ने अपने प्रिय पुत्र यीशु को हमारे पापों से हमें बचाने के लिए इस धरती पर भेजा, ताकि हमारे पाप और पापी स्वभाव नष्ट हो सके और पाप में हम ना पड़े रहें। परमेश्वर से कुछ नहीं छिपा है, वह आज भी हमारे भीतर देखता है और हमारे अंदर की बुराई को मिटाना चाहता है। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करें। हे प्यारे पिता परमेश्वर, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है प्रभु, आप हमारे भीतर देख सकते हैं कि हम क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। हमारी दिनचर्या को भी आप देखते हैं और आप चाहते हैं कि हम आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जिए, जिससे आपको महिमा मिले। प्रभु, हमें धर्मी ठहराने के लिए आपने अपने इकलौते पुत्र को भी बलिदान किया, ताकि हम उद्धार पा सके और सही जीवन जी सके। प्रभु जी, हम चाहते हैं कि आप हमारे विचारों को, दिनचर्या को बदले यदि उसमें कुछ बुराई है। आप हर बात जानते हैं प्रभु जी, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है, आप हर एक से बात करें। इस लॉकडाउन के समय में भी प्रभु, आप हमें पवित्र और दूसरों को आशीष देने वाला जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। अपना पूरा ध्यान हम ताकि आपके वचन पर और प्रार्थना पर लगा सके, हमारी सहायता करें। प्रभु यीशु के नाम से ये प्रार्थना हम मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन।